ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जो कि आज प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया है। यही आज की सबसे बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि 3 नए कृषि कानूनों को वापस लिया जाएगा, जिसके बाद से सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही है, किसान नाच रहे हैं, क्योंकि एक साल हो गया है। कई किसान ऐसे हैं जो एक साल से अपने घर नहीं गए हैं, कैसा भी मौसम हो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, महासभाएं कर रहे हैं, और तब से एक साल का वक्त हो रहा है। किसानों को 3 नए कृषि कानून के बारे में जागरूक करा रहे थे, सरकार से अपने बात मनवाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जो इतना संघर्ष किया है किसानों ने, उसका आज आखिरकार परिणाम सामने आ गया है। पीएम मोदी ने खुद कहा है कि 3 नए कृषि कानून वापस किए जाएंगे। किसानों को समझाने की बहुत कोशिश की गई कि ये उनके हित में है, लेकिन उसमें नाकाम रहे, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि 3 नए कृषि कानून को वापस लिया जाएगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो विपक्ष हमलावर है, चुनावी एजेंडा बताया जा रहा है इसे, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले इस तरह का बड़ा ऐलान करना सीधे तौर पर सरकार को काफी इसका फायदा हो सकता है, और विपक्ष इसी चीज को लेके अब निशाना भी साध रहा है। और लेकिन विपक्ष का यह भी कहना है कि जो अहंकार था सरकार का वो टूट गया है, किसानों की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। वहीं किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं और अलग अलग राज्यों में भी इसकी काफी खुशी देखने को मिल रही है। वहीं अब हमारे साथ हमारी संवाददाता आगरा से जुड़ चुकी है ममता, तो ममता से जानना चाहेंगे कि इस वक्त किसानों के बीच कैसा माहौल है। ममता जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह एक साल लगभग हो गया किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए, एक साल के इतने लंबे अंतराल के बाद में, इतने लंबे समय के बाद में, उसके बाद पीएम मोदी के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि जो किसान काले कानून है उनको वापस लेने की घोषणा की जाती है। तो बिल्कुल जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि किसानों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो किसानों का साफ तौर से ये कहना था कि ये जो इलेक्शन जो पीरियड है, इनका जो चुनावी माहौल है, इसको इनके फेवर में तब्दीली करने के लिए इनकी तरफ से इस तरह की घोषणाएं और उनको लुभाने के लिए इस तरह की घोषणाएं की जा रही हैं। जी जी ममता, क्या किसान आपके आसपास मौजूद है, उनके बीच में कैसा माहौल है इस वक्त, हम ये जानना चाहेंगे, क्या बात कर सकती हैं? मेरे पास किसान, जी बिल्कुल मैं बात कर सकती हूँ, और मेरे पास किसान मौजूद है। मैं उस जगह पर हूँ, उसी खेती पर हूँ जहाँ अन्नदाता उस अन्न को उगाता है और उसके बाद देश की जनता को वो अन्न पहुंचता है, जिससे जो जनता है वो अपना पेट भर सकती है। तो मेरे साथ एक अन्नदाता मौजूद है, एक किसान मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी और उनसे खुद पूछना चाहूंगी कि एक साल के लगभग टाइम हो गया, उसके बाद ये जो काला कानून है ये वापस लिया गया है पीएम मोदी के से, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी क्या नाम है? मेरा संजय कटारा। जिस तरह एक साल का लंबा समय हो गया, उसके बाद ये काला कानून वापस लिया गया है, जिस तरह के आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो आप क्या, कितने खुश हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? मैम कुछ तो नहीं है जी, इसीलिए कुछ नहीं है कि वो सरकार, वो राज्य के इलेक्शन आ रहे हैं, इस चक्कर में इनने किया है। अगर पहले से करते ना तो किसान इतना परेशान नहीं रहता, और रोड पे बेचारा परेशान है, डला हुआ, रात को सर्दी देख रहा है, गर्मी देख नहीं रहा है, और बहुत परेशान है किसान। अब ध्यान दे रहे, क्या मतलब ध्यान देने का, अब तो अपने राज्य के इलेक्शन आने के लाभ लेने के चक्कर में ये बिल पास किया है। ममता इनसे ये पूछिए कि किसान यही चाहते थे कि 3 नए कृषि कानून वापस लिए जाए, जो कि सबसे बड़ी जीत है, तो क्यों इस पे खुश नहीं है? इतने किसान धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, कितने किसानों की मौत हुई है, तो क्या इससे खुशी नहीं हुई उन्हें? जी जी जिस तरह के किसान, आप जो बिल वापस लेने की बात थी, तो आज आप खुश क्यों नहीं है? अब खुश, अब इतना परेशान हो गए, अब तो आप ध्यान दे रहे हैं ना इलेक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन लालच के चक्कर में ये किया है, ये पहले से देते तो ये किसान इतना परेशान नहीं रहता। लेकिन ये किसानों की जीत तो है, अब डरा, लेकिन ये किसानों की माना जाए तो पूरी तरह से ये जीत है कि केंद्र सरकार आपके आगे, किसानों के आगे झुक गई है, और उन्होंने अपना ये जो फैसला था, जो किसान की जो ये जो काले कानून थे, उन्होंने वो वापस ले लिए, तो आपको खुशी जाहिर होनी चाहिए। जाहिर खुशी तो जाहिर है, थोड़ी तसल्ली हुई, ने वापस ले लिया तो तसल्ली है, खुशी तो है, इसलिए खुशी है कि चलो हमें बिल मतलब किसान लाभ मिला। जी बिल्कुल, आप इन्होंने बताया कि थोड़ी सी खुशी तो है, लेकिन ये इनका एक साल के अंदर काफी नुकसान हुआ, लोग पीड़ित थे, बहुत परेशान रहे एक साल में, लोग अपने घरों तक नहीं जा पाए, कुछ किसान ऐसे थे जो अपने एक साल से लगातार वहां धरने पर बैठे रहे,
और मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं यहाँ, और किसान मौजूद हैं हमारे गोमेंस जो कि कराची यहाँ, चाचू हमारे। मैं उनसे बात करना चाहूंगी, वो जी बोलना चाहेंगे तो मैं इनसे संपर्क करना चाहती हूँ। जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गोविंद कटारा है। जी जी सर, की केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल पास किए थे, काले कानून जो पास किए थे तीन, जो वो वापस ले लिए गए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं आप? देखिए मुझे अभी भी मालूम पड़ा है, फोन पर सूचना आई थी कि कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं। दरअसल वो जल्दबाजी में कानून बनाए गए थे। मैं मोदी जी का समर्थक भी हूँ, लेकिन जब इन कानूनों के बारे में मैंने पढ़ा, किसान हमारे वहाँ पड़े हुए थे, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, वो किसानों को कोई आतंकवादी कहता था और ना जाने क्या क्या उनको संज्ञाएं दी गई। आज मोदी जी ने उस कानून को वापस लिया है, उससे किसानों में निश्चित रूप से खुशी की लहर तो है, लेकिन ये जल्दबाजी में बनाया गया कानून, भले ही ये किसान हित का हो, लेकिन ये थोड़ी सी जल्दबाजी में बनाया गया था। इसमें कोई किसानों का प्रतिनिधिमंडल नहीं था, अगर वो होता तो ये दुविधा नहीं होती। खैर कुल मिलाकर हम लोग खुश हैं और हम आगे से ये उम्मीद करते हैं कि कृषि सिंचाई की जो बिजली है हमारे आगरा में, जैसे टोरेंट पावर किसानों को मारे डाल रही है, जैसे बिल दिखा रही है 12-12, 15-15 लाख, और उत्तर प्रदेश में कहीं जहां गवर्नमेंट की बिजली है वहां किसी पर बकाया नहीं होता, हम लोगों पर बकाया दिखाया जा रहा है। ये दो तरह के विधान, दो तरह के कानून, ये हमारी समझ में नहीं आता। अगर हमारी सरकार इस चीज को सुन ले आपके माध्यम से कि हमारे उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में टोरेंट पावर के बिजली के बिल 15-15 लाख रुपए जमा करने के बावजूद, जब हम लोग जमा करते हैं और जमा कर देते हैं, फिर हमारी शिकायत भी वो ले लेते हैं, और अगर हम बिल जमा नहीं करें तो शिकायत वो लेते नहीं है, और इधर बकाया भी दिखाते हैं 15-15 लाख रुपए। तो आप इस दुविधा से हमें कौन दूर कराएगा? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले, जिन्होंने हमारे साथ आश्वासन दिया, लेकिन आज तक वो 15-15 लाख रुपए जो छपे आ रहे हैं बिल पे, वो जिससे हमें मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, वो अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। फिलहाल जो आपका जो कृषि कानून का जो मामला था, वो पीएम मोदी के द्वारा उसको उसकी घोषणा कर दी गई है कि वो तीनों काले कानून वो निरस्त कर दिए, हटा दिए गए हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? जिस कानून के खिलाफ एक वर्ष से अधिक समय से हमारे किसान भाई बॉर्डर पे पड़े हुए हैं, बॉर्डर पे उनके लिए रोकने के लिए उनके लिए भाले कंक्रीट में लगाए गए, बॉर्डर पे इतने भाले लगाए जाते तो आतंकवादी कम से कम प्रवेश न करते, और किसानों के लिए भाले लगाए गए। क्या मानते हैं कि जिस तरह के अन्नदाता के लिए इस तरह की जो सरकार थी उसके द्वारा इस तरह के उत्पीड़न उत्पीड़ित किया गया उनको, तो आप क्या मानते हैं इस चीज को? देखिए मैं ये जानता हूं कि ये जो कुछ भी होता है एक मुखिया का करा धरा नहीं होता है, उस सर गवर्नमेंट में सभी तरह के बुद्धि के नौकरशाह होते हैं, अधिकारी होते हैं, अन्य नेतागण होते हैं। जैसा उनको मोदी जी के पास सूचना दे दी जाती है वो उसे मान लेते हैं। जब जमीन पर उन्हें ये दिखा चुनाव आ रहा है, उनकी खुद का जो सर्वे हुआ उसमें ये पता लगा कि किसान नाराज हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है और भारी नुकसान होने की संभावना भी थी, तो मोदी जी ने जब इसका खुद वो किया, जानकारी उनके संज्ञान में पहुंची, तो उन्होंने इस कानून को, जिसे वो आज भी मैं न्यूज देख रहा था अच्छा बता रहे थे, भले ही वो अच्छी हों, अगर किसान रबड़ी नहीं खाना चाह रहा है, कोई किसान मना कर रहा है मैं रबड़ी नहीं खाऊंगा, तो उसे रबड़ी न खिलाई जाए। अगर वो चटनी से खाना चाह रहा है रोटी, तो उसे चटनी से मोदी जी खाना खिलाइए, जी जो मांगे उसे दीजिए। डीएपी की इतनी कालाबाजारी बॉर्डर पर गए थे, जो प्रदर्शन हो रहा था, क्या आगरा से भी किसान उसमें मौजूद हुए, उनका भी योगदान रहा है? जी बिल्कुल, आगरा से भी काफी किसान यहाँ से बॉर्डर पे मौजूद रहे थे, वो पहुंचे थे, तो उनका भी पूरा, आगरा से भी जो किसान पहुंचे थे उनका भी पूरा योगदान रहा था यहाँ। जी ममता, जब आगरा से किसान वहां पे गए, अलग अलग जिलों से राज्यों से किसान गए थे, तो उनके साथ जो व्यवहार किया गया था उससे काफी आहत हुए थे किसान, तो उसके बाद अब जब कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तो क्या किसान भी, जो सरकार है उसे माफ कर पाएगी, या फिर अपना समर्थन सिर्फ इसी मुद्दे को देखते हुए कि तीन ने कृषि कानून वापस कराना चाहती थी, किसान वापस कराना चाहते थे, तो क्या इसी को देखते हुए अब अपना समर्थन देंगे, क्योंकि चुनावी वक्त है, समर्थन के लिए ये सब किया जा रहा है, तो क्या किसान समर्थन देंगे, या अभी भी जो काफी दिक्कतों का सामना कर रहे किसान उसके बलबूते अभी भी नाराज रहेंगे?
जी बिल्कुल सिखा, आपको बता दूं कि जिस तरह के किसानों से बात करने के बाद पता लगा कि ये जो चुनावी माहौल है, साफ तौर पे किसानों का कहना है कि चुनाव को देखते हुए ये काले कानून और ये सरकार झुकी है। इन काले कानूनों को इसीलिए हटाया गया है कि किसान, उनको जो सर्वे हुआ है उसमें साफ तौर से किसान नाराज दिख रहे थे, तो उनका जो सरकार थी वो बैकफुट पर साफ तौर से दिख रही थी, इसलिए किसान साफ तौर से नाराज भी है। और जहां तक किसानों का कहना है तो वो अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ किसान है नाराज तो सरकार से साफ तौर से दिख रहे हैं। जी जी ममता, ऐसी कई शिकायतें हैं किसानों की, जैसे खाद नहीं मिल रही है और जिस तरह से अभी भी हमें ग्रामीण बता रहे थे कि उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो कई मुद्दे हैं जिसमें भी सरकार को सोचने की बात करने की जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी हर एक खबर पे नजर बनाए रखिए, हमारे तक तस्वीर पहुंचाइए कि अभी भी किस मुद्दों को लेके किसान खुश है और किस मुद्दों को लेके नाराज है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो किसान लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, तीन नए कृषि कानून तो वापस हो गए लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अभी भी नाराज नजर आ रहे हैं किसान। इस बात से तो काफी खुश नजर आ रहे किसान कि तीन नए कृषि कानून के लिए उनके किसान भाई जो दिल्ली की सीमा है वहां पे बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, अपने घर नहीं गए और तमाम दिक्कतों का सामना किया। आखिरकार जो ये बड़ी उपलब्धि मिली है इसको लेकर किसान काफी खुश हैं, लेकिन अभी भी कई समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं। जैसे कि टोरेंट पावर की बात करिए, आगरा में हमारी संवाददाता के साथ किसान ने बताया किन किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। खाद की भी इस वक्त काफी किल्लत देखने को मिल रही है कई जगह पे, जिसकी खबरें सामने आ रही है और प्राइम टीवी की टीम लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रही है कि किस तरह से किसान मजबूर हो रहे हैं अपनी फसल को बचाने के लिए, दर दर भटक रहे हैं, सुबह से लंबी कतारों में भी नजर आते। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर किसान परेशान है, लेकिन ये एक बड़ी खुशी का भी दिन है क्योंकि एक साल की जो तपस्या थी उसका परिणाम आज आया है। फिलहाल यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।